भाई कल की 2898 मूवी के लिए कौन कौन वेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई मेकर्स जो है ना फुल एक्टिव हो चुके हैं, मेकर्स अपना पार्ट खेलने लग गए हैं। लेकिन जिस चीज की अभी जरूरत है, जो हैवी डिमांड है जनता की तरफ से, फैंस की तरफ से, भाई टीजर कब आएगा, इस चीज की सबसे बड़ी डिमांड है। लेकिन कल की 2898 से जुड़ी ऐसी भी और चीजें हैं जो जरूरी भी बनती है आना, क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा का जब ग्लिम्स उन्होंने रिलीज करा था यानी करेक्ट इंट्रोडक्शन, तो जरूरी भी बनता है कि भैरवा का करेक्ट इंट्रोडक्शन हो, जरूरी बनता है कि पद्मा का करेक्ट इंट्रोडक्शन हो, जरूरी बनता है कि कमल हसन यानी कली जो अपने मेन विलेन होने वाले हैं इसका हैवी एंड हैवी करेक्ट इंट्रोडक्शन तो बनता ही बनता है। क्योंकि ये बंदा अगले आने वाले तीनों पार्ट में, क्योंकि ट्रायोलॉजी जा रही है यानी तीन पार्ट में इस मूवी को बताया जा रहा है, प्रॉमिस करा जा रहा है, तो कली अपना भाई तीनों पार्ट में बरकरार रहने वाला है। और कमल हसन के लिए अगर भारी भरकम करेक्ट इंट्रोडक्शन ना आए तो फिर क्या ही वजह यार उस चीज का। देन उसके बाद एक चीज ये भी प्रॉमिस करी जा रही थी कि भाई प्रील्यूड आएगा, प्रील्यूड यानी एक एनिमेटेड टीजर, एक ऐसा एनिमेटेड टीजर जो कहानी को बताएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, यानी फर्स्ट पार्ट जो भी स्टार्ट होगा कल की 2898 का वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तथ्यों एंड फैक्ट की बात करें तो भाई बहुत कुछ है, लेकिन एक ऐसा सेलेक्टिव पार्ट, एक ऐसा स्टार्टर हमें चाहिए जहाँ से कहानी भी जुड़ी रहे और वो कहानी का वजूद भी आगे जाके हमें पता चले, यानी प्लॉट बाय प्लॉट वो कहानी इस्टेब्लिश करे। तो यस, ये एक फाइन चॉइस थी कि प्रील्यूड एक ऐसा एनिमेटेड टीजर आए जो कहानी से पहले वो सारी चीज़ें बताए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आखिर यहाँ तक पहुँची कैसे, यानी एक मोटा मोटा तो सभी को पता ही है सतयुग और द्वापर युग में क्या हुआ है। तो एक प्रील्यूड टीजर में वही चीज़ होगा कि सतयुग द्वापर युग में जो जो हुआ है, भाई कलयुग आने की वजह क्या थी और कलयुग को हटाने के लिए वजह क्या बनेगी और कौन आएगा इस कलयुग का नाश करने के लिए और कलयुग में कौन ऐसा राक्षस होगा जो मोस्ट पावरफुल होगा, जिन्हें सिर्फ कल्कि अकेले यानी अपने विष्णु भगवान का जो दसवां अवतार है वो अकेले नहीं हरा सकता है, आठ चिरंजीवी की इसमें मदद लगेगी, जो हनुमान का नाम काउंट करा जाता है, अश्वत्थामा का नाम काउंट करा जाता है, वेद व्यास जी का नाम काउंट करा जाता है, परशुराम जी का नाम काउंट करा जाता है, एंड विभीषण का नाम काउंट करा जाता है, एंड ऋषि मार्कंडेय का नाम काउंट करा जाता है, एंड आठवां भाई मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग सर्च कर लेना अगर आप डाई हार्ट फैन हो इस मूवी के लिए, वाकई में वेट कर रहे हो कि आठवां चिरंजीवी कौन है। तो अच्छा, मुद्दे की बात ये करते हैं कि इसका टीजर कब आ सकता है। देखो मूवी फाइनल हो चुकी है, लॉक हो चुकी है, 27 जून को मूवी हमें मिल जाएगी। उससे पहले अगर बात करें टीजर की तो भाई साहब 1.5 से 2 महीने पहले एक फाइन टाइम रहेगा, एक अच्छा गैप बनाने के लिए, एक अच्छा हाइप बनाने के लिए, क्योंकि कल की 2898 कोई एवं टुच्ची सी मूवी नहीं है, बहुत बड़ी मूवी है जो डेफिनेटली 1000 करोड़ तो ईजिली ठोंक के जाएगी, क्योंकि इसके स्टोरी का पार्ट भी बहुत हैवी रोल प्ले कर रहा है। हाँ, एक आध जगह थोड़ा सा कंट्रोवर्सी अभी से सुनने में मिलने आ रही है कि वो जो अश्वत्थामा का जो मणि थी और वो जो क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी ने वापस ले ली थी, तो ये कलयुग तक यहाँ तक कैसे पहुँच गई, वो मणि जो कलयुग में दिखाई जा रही है तो वो कैसे पहुँच गई, फिर इस पर एक सेपरेटेड वीडियो कभी लाएंगे, बहुत बड़ी चर्चा है, इस पर फिलहाल अभी बात नहीं करते हैं। टीजर कब आ सकता है, भाई मेरे हिसाब से 10th ऑफ मई या फिर 11th ऑफ मई इसके आसपास, यानी ये जो डेट है ना इसके आसपास हमें टीजर कभी भी देखने को मिल सकता है, या टीजर नहीं तो कोई भी बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर ही। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि भाई साहब अब टीजर की ही वेट है, टीजर की ही डिमांड है, भारी भरकम डिमांड है पब्लिक की तरफ से। बाकी इससे जुड़ी और भी कुछ बातें अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना, और इस मूवी के लिए कौन कितना वेट कर रहा है ये भी जरूर बता के जाना, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।